गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस सेल्फ प्रैक्टिस 7F. 7F का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें ए टू जेड तक के क्वेश्चन थे, वो हमने कल प्रीवियस क्लास में स्कूल में देख लिया था, इसे सॉल्व किया था. अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 से देखना था. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ योर वेट ऑन द मून is about 1/6 of your weight on the earth. ठीक है, आपका वेट जो मून में, यदि आप मून में जाओगे तो आपका जो वेट होगा वो आपके वेट का 1/6 होगा. जब आपका वेट, जब अर्थ में, जो आपका अर्थ में वेट होगा उसका 1/6 जो है टाइम्स आपका वेट मून में होगा, जब आप मून में जाओगे. ठीक है, हाउ मच डज अ पर्सन वेट ऑन द अर्थ इफ ही वेट 10 kg ऑन द मून. तो इफ़ यदि किसी पर्सन का मून में 10 kg वेट है तो उसका अर्थ में कितना वेट होगा, ये हमको बताना है. क्वेश्चन आ रहा है समझ में? ठीक है, पहले उसने क्या बोला कि वेट ऑन द मून, मून का वेट, मून में हमारा वेट कितना होगा, जितना अर्थ में जितना वेट होगा उसका 1/6 टाइम्स, 1/6 गुना. ठीक है, फिर हमको उसने बोला कि वेट ऑन द अर्थ हमें फाइंड करना है जब वेट ऑन द मून जो है वो 10 kg हो. तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द वेट ऑन द अर्थ बी एक्स. अर्थ में हमारा वेट अभी कितना है, एक्स. हमें पता तो नहीं है, तो हमने अपने से मान लिया कि हमारा अर्थ में वेट कितना है, एक्स. ठीक है, एक्स किलो, एक्स kg. वी नो दैट, हम जान, ठीक है, वी नो दैट, हमको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, कि जो वेट ऑन द मून, देखिए डब्ल्यू एफ जो है ना वो वेट ऑन द मून है. वेट ऑन द मून जो है वो वेट ऑन द अर्थ का 1/6 टाइम्स है. यहाँ पे आप लिख देना कि डब्ल्यू एम का मतलब क्या है, वेट ऑन द मून. डब्ल्यू ई का मतलब वेट ऑन द अर्थ. अब हमको डब्ल्यू एम का पता है, डब्ल्यू एम हमको कितना दिया है, 10 kg. तो डब्ल्यू एम इज इक्वल टू 10 kg. इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया था, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ डब्ल्यू एम की हम वैल्यू रख देंगे 10 kg. यहाँ पे हम 10 kg वैल्यू रखें, इज इक्वल टू 1/6 का 1/6, और डब्ल्यू ई का तो फाइंड करना है, तो डब्ल्यू ई को डब्ल्यू ई. ठीक है, जिसे फाइंड करना होता है मैंने बताया था, उसे खाली करते हैं. ठीक है, तो उसके साथ 1/6 जो है वो मल्टीप्लाई में है, 6 जो है वो डिवाइड में है ना, तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई में 10 × 6 इज इक्वल टू 60. तो वेट ऑन द अर्थ कितना आ गया, 60. वेट ऑन द अर्थ इज 60. तो हम यहाँ पे लिख देंगे नीचे, देयरफॉर वेट ऑन द अर्थ इज 60 kg. क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पेंटागन इज 35 cm. ठीक है, एक रेक्टेंगुलर, एक रेगुलर पेंटागन है हमारे पास, उसका पैरामीटर कितना दिया है, 35 cm. राइट एंड सॉल्व एन इक्वेशन डू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ पेंटागन. तो हमें उसकी ईच साइड, पेंटागन नाम से समझ में आ रहा, पेंटा मतलब 5. ठीक है, तो उसकी कितनी साइड्स होती हैं, 5. पहले वी नो दैट, हम लिखेंगे अ रेगुलर पेंटागन हैज़ ऑल 5 साइड्स इक्वल. तो ईच साइड को हमने क्या मान लिया, एक्स. और हम जानते हैं पैरामीटर हमको गिवन है 35 cm क्वेश्चन में. तो पैरामीटर ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू 5 × साइड. साइड हमने क्या लेके चला है यहाँ, एक्स. तो 5 × एक्स और इज इक्वल टू पैरामीटर कितना था, 35. अब इसमें हमको कौन सा वेरिएबल दिख रहा है, एक्स. एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स के साथ 5 किस में है, मल्टीप्लाई में, वहाँ जाके डिवाइड में. तो 35 / 5, 5 × 5, 5 × 7 = 35. तो एक्स इज इक्वल टू 7 cm, मतलब उसकी लेंथ, पेंटागन की ईच लेंथ जो है वो 7 की होगी. एक्स इज इक्वल टू 7 cm. क्वेश्चन नंबर 4th, 5 times द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 300 km/h. फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. ठीक है, गिवन है 5 times ऑफ द स्पीड ऑफ अ ट्रेन जो है वो 300 km/h है. तो हमको स्पीड बतानी है, तो कुछ नहीं, आप क्या करोगे, स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालने के लिए 300 / 5, 5 टाइम्स है ना उसका,
तो 1 किलोमीटर की कितनी है, 300, तो 300/5, ठीक है, 5/300, तो 300 से 5 को जब कैंसिल करेंगे, 5 × 5, 5 × 6 = 30, 0 × 0 तो 60 आ गया। तो हम लिखेंगे टोटल स्पीड इज 60 किलोमीटर/आवर, बस यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, रवि's मंथली सैलरी इज 6,000 rupees, ही स्पेंड रुपीज पर मंथ एंड हैज अ सेविंग ऑफ 1500 एट द एंड ऑफ द मंथ, व्हाट इज हिज मंथली एक्सपेंडिचर। गिवन है उसकी मंथली की, रवि की मंथली सैलरी कितनी है, रवि's मंथली सैलरी इज 6,000 rupees, वो मंथ में कितना स्पेंड कर देता है, मतलब स्पेंड का मतलब क्या होता है, खर्च, कितना खर्च करता है, 1500, ठीक है। तो हमको मंथली एक्सपेंडिचर बताना है, ठीक है, कि उसके पास बचा कितना। तो 6000 में से हमको क्या करना पड़ेगा, 1500 माइनस करना पड़ेगा, 6000 - 1500, तो 0 × 0 = 0, यहाँ 0 में से 5 नहीं जाएगा, आप इसको बनाओगे 10, 10 में से 5 = 5, ये हो गया होगा 5, 5 में से 1 = 4, तो 4500 उसका मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, 4500। क्वेश्चन नंबर 6, 1 round ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ अ साइड एस इज 100 meter, हाउ मच इज 1 side ऑफ द फील्ड, ठीक है। पेरीमीटर हमको दिया गया है स्क्वायर का, एक राउंड, ठीक है, स्क्वायर फील्ड का 100 meter है। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता क्या है, 4 × साइड, हम ये जानते हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर के नीचे हम क्या लिखेंगे, 100, ये तो गिवन है, इज इक्वल टू 4 × साइड, साइड हमको क्या दी गई है, एस, ठीक है, ये जो साइड है ना वो एस दी गई है, तो हमने साइड की जगह एस रखा। अब इस वाले इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें कौन सा वेरिएबल दिख रहा है, एस, एस की वैल्यू निकालनी है, एस की वैल्यू निकालने के लिए इसको खाली करना पड़ेगा, उसके साथ 4 केस में है, इनटू में वहां जाके डिवाइड में, तो 100 / 4, पहले इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 2 × 2 = 4, यहाँ पे कितना, 2 × 5 = 10, 0 × 0, तो बनेगा 50/2, ये अभी भी कैंसिल हो रहे हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 1 carry 10 बन गया, 2 × 5 = 10, तो s इज इक्वल टू 25 meter, मतलब उसकी साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो कितना है, 25 meter, ठीक है। तो यहाँ आपका 7F कंप्लीट है, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, थैंक यू।